हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं G20 के बारे में। आज हम जानेंगे कि G20 की अध्यक्षता 2022 में कौन सा देश करेगा और इस G20 में कितने देश शामिल हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। G20 को ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। इसमें जो 20 देश शामिल होते हैं वो उनका ग्रुप होता है। वो वैश्विक स्तर पर चर्चाएं करते हैं, पर्यावरण से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित जितनी भी जो समस्याएं आती हैं या जो समस्याएं आने वाली होती हैं उन पर डिस्कशन किया जाता है। और ये 20 देशों का समूह है, इसमें 20 देश आते हैं। और जो 2022 में G20 की अध्यक्षता करेगा वो भारत करेगा, और उसके अध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अध्यक्षता करेंगे और उन्हें ये अध्यक्षता इंडोनेशिया ने सौंपी है। दोस्तों, ग्रुप ऑफ 20 ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये प्रत्येक वर्ष में मतलब आयोजित किया जाता है, और इसमें देखा जाता है कि किन देशों में क्या समस्याएं आ रही हैं, आर्थिक लेवल पर या पर्यावरण से संबंधित मुद्दे होते हैं उन पर चर्चा की जाती है। अब देख लेते हैं कि G20 में कितने देश शामिल हैं। अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। और स्पेन इसमें अतिथि, स्थायी अतिथि है, जो हर वर्ष आमंत्रित होते हैं। दोस्तों, ये रहा G20 के बारे में दोस्तों, और इसका जो उद्देश्य होता है उसको भी एक बार क्लियर कर लेते हैं। इसका उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुधार करना, जो मध्यवर्गीय हैं देश उनकी जो वैश्विक वित्तीय स्थिति को सुधार करना होता है इसका उद्देश्य। और इसमें देखा जाता है कि कौन से देश की कितनी आबादी है, कितनी GDP है और वैश्विक व्यापार कितने प्रतिशत शामिल है, इन सभी चीज़ों को देखा जाता है G20 में। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ये दोस्तों ऑडियो आर्टिकल फॉर्म है, इसकी वजह से आपको ऑडियो में हमारी सभी जानकारियां आपको मुफ्त में मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।